नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अंतर्गत राजापाकड़ पंचायत के वर्तमान मुखिया व वर्तमान पंचायत समिति पति के बीच का समझौता हो गई है। जो भी विवाद था वह विवाद खत्म हो गया है, लेकिन एक और मामला इसमें जुड़ चुका है जो हम सभी मीडिया बंधु के कानों तक गूंज रहा है। आपको हम बता दें कि इससे पहले वीडियो में तो मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ कहानी छूट गई थी, वह कहानी हम आपको अब बता देते हैं। आपको बता दें कि 3 मार्च 2024 को मुखिया जी के मोबाइल पर एक नंबर से फोन आता है। जब मुखिया जी पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उधर से कहा जाता है कि मैं हिमांशु शेखर उर्फ गोपाल सिंह बोल रहा हूं। मुखिया जी ने बोला कि आपका काम क्या है सो बताइए। तो गोपाल सिंह के माध्यम से बोला गया कि मुझे एक पंचायत समिति योजना अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाना है, आप मुझे बनवा दीजिए। हालांकि मुखिया जी वहां पे बोले कि मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उक्त योजना अंतर्गत मैंने पूर्व में ही विधायक योजना अंतर्गत कार्य हेतु मैंने अनापत्ति प्रमाण पत्र बना चुकी हूँ, मुझे अब नहीं बन पाएगा। फिर से बताया जा रहा है, उस आवेदन में लिखा हुआ है कि दोनों तरफ से कहा सुनी हुई, गाली गलौज भी किया गया। तो पंचायत समिति पति के तरफ से कहा गया कि अब हम देखते हैं कि आप किस प्रकार अपने पंचायत में कार्य कर लेते हैं। इतना ही तक बात थमी नहीं, इससे आगे और जान लीजिए। इतना तक बात थमी नहीं, उसी प्रकार पंचायत समिति पति के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी सकरा के टेबल पर एक फर्जी स्टाम्प पेपर और फर्जी मुखिया का हस्ताक्षर से लिखा हुआ एक लेटर पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसमें साफ साफ जो अक्षर से लिखी हुई रहती है, तो बीडीओ साहब व वर्तमान पंचायत सचिव जी ने मुखिया जी को संपर्क किया। मुखिया जी से संपर्क होने के बाद जब मुखिया ने बताया कि सर न मैं ऐसा लेटर बनाया हूँ और न मैं सिग्नेचर की हूँ, अब ये फर्जी है, जरा सा हमको दिखा दीजिए। देखने के बाद मुखिया जी बोलते हैं कि सर यह फर्जी लेटर है और फर्जी मेरा सिग्नेचर भी है, अब बताइए कि यह मामला कितना कठिन है और कितना दुर्लभ है। इतना ही तक बात थमी नहीं, जो मामला आसानी से सुलट सकता था, जो मामला आसानी से समझौता हो सकता था, वह समझौता हुआ नहीं, बल्कि और बड़ी बात बन गई। मुखिया जी ने एक आवेदन लिखा और बरियारपुर थाना में जाके सौंपा, प्रखंड विकास पदाधिकारी सकरा को सौंपा। उसके बाद लोगों से न्याय की गुहार लगाने लगी, लेकिन कुछ दिग्गज जनप्रतिनिधि ने चाहा कि यह मामला को आगे बढ़ाने से पहले इसको समझौता कर देते हैं। समझौता होने के बाद एक टाइम रखा गया जो वर्तमान मुखिया मिंटू देवी के घर पर रखा गया कि वहां पे बैठक होगी और जो भी कहा सुनी है उसको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पे जब बैठक हुआ, जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हैं, मुखिया जी के घर पर लोग बैठे हुए हैं, इसमें कुछ जनप्रतिनिधि, मुखियागण, पंचायत समितिगण और वहाँ के वार्ड सदस्य और ग्रामीण लोग मौजूद है। यहाँ पर हिमांशु शेखर जी आने से आनाकानी करने लगे। उन्होंने कहा कि जो भी बैठक होगी वह प्रखंड परिसर में होगी। तो फिर से 3 बजे का टाइम रखा गया और 3 बजे सकरा प्रखंड के प्रमुख साहब और उप प्रमुख साहब एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष एवं मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष एवं कई सारे दिग्गज जनप्रतिनिधि एवं आम जनों के बीच यह समझौता हुई। जब मुखिया जी से हमारी टीम बात की, तो मुखिया जी की तरफ से कहा गया कि हमें माफ़ी मांगा गया है, हम उसे माफ़ कर दिए। एक महिला उम्मीदवार है, हम यह लड़ाई कहां तक लड़ेंगे, उसने मुझसे माफ़ी मांगा और मैं माफ़ कर दिया। हमारे टीम उनसे ये भी सवाल किए कि बताइए किस प्रकार की माफ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इसे लिखित माफ़ी हुई है, उसके बाद पैर पकड़ के माफ़ी मांगी गई है, लेकिन यहाँ तक भी बात बनी नहीं। फिर हमारी बात हिमांशु शेखर सिंह जी से हुई, जो पंचायत समिति पति है, तो उनके तरफ से कहा गया कि किसी भी प्रकार के माफ़ी नहीं मांगा गया है, हम माफ़ी नहीं मांगे हैं, बल्कि जो भी हम लोगों के बीच का विवाद था उसको स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं हमारे गार्जियन जनप्रतिनिधि के माध्यम से आसानी से समझौता के तौर पर सुलटा दिया गया है। अब पहले मुखिया जी का बयान आप सुन लीजिए। आज आपके साथ बैठक किया गया जिसमें कई ऐसे जनप्रतिनिधि शामिल हुए, क्या कुछ निर्णय लिया गया जो डुप्लीकेट स्टाम्प पैड और सिग्नेचर किया गया था हिमांशु शेखर जी के माध्यम से? आज हुआ कि जो भी मेरे जनप्रतिनिधि जी थे और प्रमुख साहब भी थे, मेरे गार्जियन के रूप में थे। अच्छा। और एक महिला के नाते हमने जो है सभी आदमी जो है वहाँ पे दीदान लगे और माफ़ी के रूप में हम उनको माफ़ कर दिए। माफ़ी किस टाइप से मांगा गया है? माफ़ी लिखित में मांगा गया था। बताया जा रहा है कि पैर उड़ पकड़ने की बात है जी, तो माफ़ी के रूप में जो है उसमें जो है एक महिला के नाते हमने जैसे जनप्रतिनिधि को जो है गार्जियन मानते हुए हमने माफ़ कर दिया। जितने भी गणमान्य लोग थे उनके सामने, उनके समक्ष उन्होंने इस बात को कबूला ना कि हमने गलती की थी, आपका सिग्नेचर और स्टैम्प पेपर जो लेटर पैड था उनकी चोरी की गई थी? नहीं, वो कबूल किए थे कि हमसे गलती हुआ है। मतलब स्टैम्प जो आपका लेटर पैड था वो फर्जी तौर पर इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया था और आपका सिग्नेचर भी जी।
तो वो जो है से गलती स्वीकार किए हैं और माफी के दौर पे हमने माफ कर। क्या थी आपके गार्जियन तुल्य कौन कौन जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद थे? मेरे मुखिया अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे और जनप्रतिनिधि मुखिया जी के थे, सारे जो भी प्रखंड के मुखिया जी है सभी थे और प्रमुख साहब को जो है क्या कहते हैं समिति पंच सात को थे और मेरे ग्रामीण आदमी थे। ग्रामीण आदमी थे, किसी तरह के होर हल्ला ये सब कुछ नहीं हुआ? नहीं, किसी तरह के होर हल्ला नहीं हुआ। सभी आदमी को गार्जियन के समझते हुए हम जो है इस मामला को माफ कर दिया। परिचय दीजिएगा। मैं मिंटू कुमारी राजापाकर पंचायत से, राजापाकर पंचायत की मुखिया हूँ। बताया जा रहा है कि पैर उड़ पकड़ने की बात है। जी तो माफ। जी हाँ, मुखिया जी के बयान सुनने के बाद आपको लगा होगा कि किस प्रकार की कहानी वहाँ पे रची गई होगी। हालांकि चलिए, ये समझौता हो गई है, समझौता पत्र भी बन गया है और हो सकता है कि थाना में ये जमा किया जाएगा और थाना के लोग भी आसानी से इसको समझौता में ही टाल देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो घटना का अंजाम दिया गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी सकरा के कानों कान तक पहुँचा, पंचायत सचिव जी के कानों कान तक पहुँचा और स्थानीय थाना के कानों कान तक पहुँचा, जब ये मामला बढ़ सकती थी तो आखिर इसमें समझौता करने की बात कहां से आ गई। लेकिन चलिए, जो भी दिग्गज जनप्रतिनिधि वहां पे शामिल थे, सभी के सौजन्य से और सभी के उपस्थिति में जब ये बैठक की गई होगी तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।